गर्मी का मौसम है और ऐसे में ठंडी ठंडी लस्सी किसी अच्छी नहीं लगती। मार्केट में फ्लेवर लस्सी बहुत कॉस्टली मिलती है, तो इसलिए आज हम अपने घर पर ही बनाएंगे 6 मीठी मीठी लस्सी। फ्लेवर ये एकदम मार्केट स्टाइल, और इनको हम इजली घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे, जो आपके परिवार में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका दिल खुश कर देगा। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल निकीज कुकिंग कॉर्नर में। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी 6 टाइप की बहुत ही टेस्टी लस्सी। लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही। ये दही हमने घर पे ही जमाया है और आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। परफेक्ट दही जमाने के लिए एक पतीले में 1.5 लीटर दूध लीजिए, या फिर जितना दही आपको जमाना है उतना दूध आप ले सकते हैं। जब दूध बॉयल होने लगे तब फ्लेम को लो कर दें और लो फ्लेम पर दूध को 10 मिनट तक बॉयल होने दें। इस तरीके से दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और उसका पानी भी जल जाएगा, और जब वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तब इस तरीके से चारों कोनों पे आधी आधी चम्मच दही को डाल दें, और एक बार चम्मच से गोल घुमाने के बाद इसे बिना टच किए ओवरनाइट या 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें, तो दही परफेक्ट जमकर तैयार हो जाएगी। जमने के बाद दही को फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि वो खट्टी नहीं होगी और पानी भी नहीं छूटेगा। एक ज़रूरी टिप्स, अगर आपका दूध ज़्यादा पतला है तो आप उसमें 4 से 5 चम्मच मिल्क पाउडर को अच्छे से फेंट कर मिला दीजिए, तो आप भी परफेक्ट दही घर पर जमा कर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब लस्सी के लिए दही फेंट कर तैयार कर लेते हैं। लस्सी बनाने के लिए जितना दही हमें चाहिए एक बाउल में निकाल लिए हैं और उसे इस तरह से विस्कर से फेंट लेंगे। लस्सी बनाने के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर का बिल्कुल भी सहारा ना लें, नहीं तो जो दही की लस्सी है वो एकदम पतली बन जाएगी। तो ये देखिए, जब विस्कर से हम इसे फेंट लिए हैं तब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पर पीसी हुई चीनी डालें। पीसी हुई चीनी डालने से ये जल्दी घुलकर तैयार हो जाएगी, और चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस दही में हम 4 टेबल स्पून चीनी मिलाए हैं। चीनी मिलाने के बाद एक बार और इसे अच्छे से मिला लें। इसे बहुत देर तक ना फेंटें, इसे सिर्फ मिला लें। मिलाने के बाद इसमें 1 गिलास चिल्ड वाटर डाल दें। डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें और इसे साइड में कर दें। तो चलिए अब हम एक एक करके लस्सी बनाने की तैयारी करते हैं। पहला लस्सी बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स लस्सी। तो इसके लिए एक छोटा सा मिक्सर जार लेंगे और अपने मनपसंद इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंगे अखरोट, जो बच्चों के दिमाग बढ़ाने में बहुत कारगर होता है, और ये है थोड़े से काजू, और इसके साथ है बादाम, और ये है मगज, खरबूजे का बीज। इसे बिना रोस्ट किए ना लें, इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लिए हैं, और इसमें डाल देते हैं पीसी हुई 1 चम्मच चीनी, और ये है थोड़े से डेट्स, हो तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। इन सबको पीस कर पाउडर बना लें। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स रेडी है, तो अब इसका लस्सी बना लें। लस्सी बनाने के लिए इस तरह का एक जार लेंगे और उसमें फेंटा हुआ दही 2 कलची डालेंगे। उसके बाद इसमें पीसी हुई ड्राई फ्रूट्स 2 चम्मच डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स पीसा हुआ आप रख दीजिए और गर्मी में कभी भी लस्सी बनाकर पीजिए, ये बच्चों का दिमाग बढ़ाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो ये देखिए, इसे हम ब्लेंडर से कुछ सेकेंड तक ब्लेंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक ब्लेंड ना करें, नहीं तो आपकी लस्सी पतली बन जाएगी। तो इस तरीके से ये लस्सी बनकर तैयार है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए आप इसमें कुछ आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, पर दही हमारी ठंडी है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। तो इसके ऊपर दही की थोड़ी सी मलाई, कटे हुए काजू बादाम और टूटी फ्रूटी से सर्व कर रहे हैं। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी लस्सी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये है गुलाब के शरबत वाली बहुत ही टेस्टी यम्मी लस्सी। तो इसे बनाने के लिए हम सेम जार में 2 कलछी लस्सी डालेंगे, जो दही हमने फेंट के रखा था, और उसमें डाल देते हैं ये रूह अफ़ज़ा 1 बड़ा चम्मच। तो अब रूह अफ़ज़ा डालने के बाद सेम प्रोसेस से हम ब्लेंडर से कुछ सेकेंड तक इसे भी चला लेंगे। तो लीजिए, ये लस्सी भी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गई, और ये पीने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़े से कलरफुल रेनबो से। आप इसे अपनी मनपसंद चीज़ों से या गुलाब की पंखुड़ियों से भी सजा कर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं मैंगो लस्सी, ये भी बहुत यम्मी होता है। इस लस्सी को बनाने के लिए सेम जार में 2 कलछी लस्सी डालेंगे, यानी कि जो सादा लस्सी हम बनाए थे उसे, और इसमें डाल देते हैं कटे हुए आम।
पके हुए आम तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि एकदम पका और मीठा आम लीजिए। तो इसे हम पीसेज में काट करके इसमें डाल दिए हैं और इसे भी ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप आम के पल्प को मिक्सर जार में भी पीस कर फिर आप लस्सी बना सकते हैं। तो जब आप उसे जार में पीस लीजिएगा तब उसमें लस्सी मिलाकर उसे अच्छे से फेंट लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंगो लस्सी भी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमें गाढ़ा लस्सी पसंद है इसलिए हम इसमें और लस्सी नहीं मिला रहे हैं। अगर आपको मिलाना है तो इसमें आप सादी लस्सी मिला सकते हैं जिससे कि ये थोड़ी पतली हो जाएगी, और इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए आम से सजा दीजिए और इसे सर्व कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अपनी अगली लस्सी यानी कि चॉकलेट लस्सी बनाने, जो बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। तो अब सेम जार लेंगे और उसमें हम 2 कलची सादा लस्सी डालेंगे। लस्सी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चॉकलेट। यहाँ पर हम 2 पैकेट कैडबरी डेयरी मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चॉकलेट को हम पहले ही फ्रिज से निकाल दिए थे इसलिए ये मेल्ट हो गया है। तो हम इन दोनों पैकेट्स को इस लस्सी में डाल देंगे और इसके साथ हम डालते हैं इसमें हर्षे सिरप। ये काफ़ी यम्मी और अच्छा टेस्ट देगा और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। तो अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे भी ब्लेंड कर लेते हैं। तो अब कुछ सेकेंड ब्लेंड करने के बाद ये लस्सी भी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसे भी सर्व कर लेते हैं। ये लस्सी सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब इस लस्सी को हम इस तरह से सर्व कर लेते हैं और इसके ऊपर थोड़े से हम डाल देते हैं हर्षे सिरप। अब मैं इसे सजा रही हूँ ब्लैक कलर के स्प्रिंकल से। आप इसे अपने मनपसंद बिस्किट से भी सजा कर सर्व कर सकते हैं। तो ये यम्मी लस्सी बनाने के बाद अब हम चलते हैं बहुत ही टेस्टी मसाला लस्सी बनाने। ये लस्सी टेस्टी के साथ साथ थोड़ी हेल्दी भी हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा मिक्सी जार लेंगे और इसमें थोड़े से धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसके साथ डालेंगे इसमें थोड़े से पुदीने का पत्ता और ये है बहुत थोड़ा सा अदरक जिसे हम छोटे पीस में कट कर लिए हैं। ये है एक छोटी हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी। इन सबको डालने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसे छान लेते हैं। वैसे आप इसे बिना छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे छानने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे घर हमारे हस्बैंड नहीं पीते हैं बिना छाने, इसलिए हम इसे छान रहे हैं। तो अब हम लस्सी बनाने के लिए सेम जार में 2 कलची लस्सी डालेंगे और इसमें हम पिसी हुई पुदीने और धनिए की चटनी डाल देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये है 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और ये है 1 छोटी चम्मच काला नमक और इसके साथ डालते हैं 1 चम्मच चाट मसाला। तो अब सारे मसाले डालने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, पर हम इसे ऐसे ही ब्लेंड कर लेते हैं। जो चटनी हमने बनाई थी उस चटनी और ये मसाले के साथ ये लगभग 3 गिलास मसाला लस्सी तैयार होगा। तो ये देखिए अब ये लस्सी तैयार है, तो इसे भी हम सर्व कर लेते हैं। तो अब इस लस्सी को भी सजा देते हैं दही के थोड़े से मलाई से और इसके ऊपर रख देते हैं पुदीने का पत्ता। ये दिखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है पर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम बनाते हैं अपनी अगली लस्सी केसर इलायची की, पर इसकी खासियत ये है कि हम इसे बना रहे हैं बिना केसर और इलायची के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये लस्सी हम बना रहे हैं केसर इलायची कस्टर्ड पाउडर से। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कस्टर्ड पाउडर से बहुत ही टेस्टी और यम्मी लस्सी बनाकर तैयार की जा सकती है। तो इसके लिए एक बाउल लेंगे और उसमें हम ले लेते हैं 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसमें 1 कप दूध डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेंगे। ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। अब ये अच्छे से मिल चुका है तो गैस ऑन कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। ये देखिए अब ये कस्टर्ड पाउडर पक गया है, तो हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे कुछ सेकेंड तक ऐसे ही फेंट लेते हैं। अगर आपके पास केसर हो तो आप इसके जगह पर केसर और इलायची डालकर लस्सी बना लें। तो इसे कुछ देर फेंटने के बाद चलिए हम लस्सी बना लेते हैं। इसके लिए सेम जार में हम 2 कलछी लस्सी डालेंगे और इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ध्यान रखें जब कस्टर्ड पाउडर का आप लस्सी बनाएं तो इसमें चीनी ज़रूर डालें, तो इसमें हम थोड़ा सा चीनी भी डाले हैं।
जो सूट नहीं हो पाया है, तो इस लस्सी को भी अब कुछ सेकेंड ब्लेंडर से चला लेंगे। ये लीजिए, आपकी ये लस्सी भी तैयार हो गई। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस लस्सी को भी आप आइस क्यूब के साथ या फिर ऐसे ही ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। तो इस लस्सी को भी हम सजा देते हैं थोड़े से कलरफुल स्पार्कल से, और इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़े से टूटी फ्रूटी। तो आप इसे अपनी मनपसंद चीज़ों से सजाइए और सर्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये 6 फ्लेवर की लस्सी बहुत पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दें। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और खाल कुकिंग पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।